हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ऐनक वाला जिन किस बच्चे का पसंदीदा ड्रामा नहीं होगा, खासकर वो बच्चे जो 90s में अपना बचपन देख चुके हैं और उन्होंने ये ड्रामा बहुत शौक़ से देखा था। तो उन ऐनक वाला जिन के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। खबर ये कि बच्चों के मकबूल ड्रामे ऐनक वाला जिन की नए नाम के साथ स्क्रीन पर वापसी हो गई है। कराची खबर यह है, 90 की दहाई का बच्चों का मकबूल ड्रामा ऐनक वाला जिन नए नाम के साथ एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ऐनक वाला जिन बच्चों के लिए बनाया गया एक क्लासिक की पाकिस्तानी ड्रामा है, जो 1993 से 1996 तक पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर नशर किया गया था। ऐनक वाला जिन अपने दौर का बेहतरीन ड्रामा था, जो जादूगर, जिन और परियों की कहानी पर मुश्तमल था और बच्चों समेत बड़ों में भी बेहद मकबूल था। यही वजह है कि लोगों के मुतालबे पर इस ड्रामे को पीटीवी पर दोबारा नशर किया गया था और अब एक बार फिर ऐनक वाला जिन एक नए नाम रिटर्न ऑफ नस्तूर के साथ टीवी पर नशर किया जा रहा है, जो कि दरअसल ऐनक वाला जिन का सीक्वल है। तमाम इस बार ये ड्रामा पीटीवी पर नहीं बल्कि एक और पाकिस्तानी चैनल सब टीवी पर नशर किया जा रहा है। रिटर्न ऑफ नस्तूर की कहानी भी जादूगरों, जिन और परियों के गीत घूमती है, लेकिन इस बार ड्रामे में मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है ताकि देखने वाले ज़्यादा महफूज हो सकें। लोग अपने बचपन के पसंदीदा ड्रामे को एक बार फिर स्क्रीन पर देखने के लिए पुरजोश हैं। जेनिफर नामी खातून ने यूट्यूब पर ड्रामे पर तबसरा करते हुए कहा, यह ड्रामा कब से बना हुआ था मगर कोई चैनल चला ही नहीं रहा था, मेरा दिल बहुत दुखता था, बालाखिर सब टीवी ने काम कर दिखाया। सलमान आफ्ताब नामी शख्स ने कहा, 26 बरसों बाद में ये ड्रामा देखने के लिए पुरजोश हूँ। तो दोस्तों, ये तो खबर थी ऐनक वाला जिन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये खबर बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप ज़रूर ये ड्रामा देखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।